सब्सक्राइब कीजिए एग्जाम इन्फो बड़ी चैनल को और बेल आइकन को भी दबाइए लेटेस्ट एग्जाम इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम इन्फो बड़ी चैनल पे, जहाँ पे मिलते हैं आपको SSC बैंक और रेलवे से जुड़ी सारी लेटेस्ट एग्जाम इन्फॉर्मेशन सबसे पहले। तो देखिए दोस्तों, अभी आपका जो कुछ दिन पहले आपका अभी यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसका पेपर कहीं ऐसा ना हो आपका री एग्ज़ाम हो जाए, क्योंकि दोस्तों विद्यार्थियों ने सिपाही परीक्षा में सवाल उठाए हैं। देखिए ऊपर जो छोटा वाला टाइटल आया है वो आपका है, सिपाही भर्ती 2018 की परीक्षा पर अभ्यर्थियों ने उठाए सवाल। देखिए न्यूज़पेपर में खबर आई है आपकी, दोनों पालियों में कई परीक्षा केंद्रों पर वितरित किए गए एक ही पेपर। देखिए कई परीक्षा केंद्रों में, कहने का मतलब है आपको कई परीक्षा केंद्रों में एक ही पेपर, जो फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में एक ही पेपर पेपर वितरित किया गया है, ये सवाल उठाए विद्यार्थियों ने। ऐसा क्यों हुआ है? अगर ये सवाल अगर ज़्यादा बड़ा मोड़ लेता तो कहीं ऐसा ना हो आपका पेपर इसमें आपको दोबारा देना पड़ जाए। दोस्तों देखिए जो टाइटल है आपका वो तो बहुत बड़ा लिखा हुआ है, परीक्षा की दोनों पालियों में मिला एक ही पर्चा। इनका देखिए आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम था उसमें एक ही पेपर बांट दिया गया है, तो इसमें विद्यार्थियों ने सवाल उठाया है कि ऐसा क्यों हुआ है। देखिए इसमें आपका लिखा है, यूपी पुलिस सिपाही भर्ती 2018 की परीक्षा में गड़बड़ झाला सामने आया। 18 जून की सिपाही भर्ती परीक्षा में दोनों पालियों में एक ही पेपर बांटे गए थे। कई परीक्षा केंद्रों में है गड़बड़ी सामने आई है। द्वितीय पाली में बांटे जाने वाला पेपर सेट प्रथम पाली में ही परीक्षा केंद्रों में वितरित किए गए। देखिए ये लिखा हुआ है आपका, ये जो आपका देखिए आपका लिखा हुआ है यहाँ पे, द्वितीय पाली में बांटे जाने वाले पेपर सेट प्रथम पाली में ही परीक्षा केंद्र वितरित किए गए। देखिए बहुत बड़ा सवाल कि ऐसा क्यों किया गया, जो सेकंड शिफ्ट का पेपर था वो पहले ही क्यों बांट दिया गया। देखिए यहाँ पे बहुत बड़ा सवाल उठा है, लेकिन देखिए जो इसका जो पेपर कराने का जो कंपनी थी वो थी आपकी TCS कंपनी को मिली इसके बारे में जिम्मेदारी, लेकिन TCS कंपनी का कहने वाला ऐसी कोई भी बात नहीं है, जो आपके पेपर हुए हैं वो बिल्कुल सही हुआ है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए हो सकता है कि इसका री एग्ज़ाम ना हो भी सकता है, हो भी जाए, क्योंकि बहुत बड़ा सवाल है कि ऐसा क्यों हुआ है कि दोनों पालियों में एक ही पेपर बांटा गया है। देखिए इनका कहने का ये भी तात्पर्य है, कहीं साजिश के तहत तो नहीं हुआ खेल। देखिए बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं इसमें, इसमें कोई भी कुछ कह नहीं सकता कि इसमें अब क्या होगा पेपर को लेके, री एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। दोस्तों तो खबर आई वो आई आपके, जौनपुर निवासी सौमी सिंह छोटे बड़ाल में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता है। उसके छोटे भाई कृष्ण गोपाल ने 18 जून को करेली स्थित RBM स्कूल में सिपाही भर्ती की प्रथम पाली में परीक्षा दी। सोमेश के मित्र राजेश सिंह ने छोटे भाई रमन को 18 जून को जो पेपर हुआ था उसमें, देखिए दोनों का पेपर एक ही मिल गया है, देखिए तो इसलिए इन्होंने ये जो खबर इनके लिए सामने आई है इनको लेके कि ऐसा क्यों हुआ। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे इन दोनों ने के इसके लिए रिपोर्ट कराई कि ऐसा दोनों पालियों में क्यों ही एक ही पेपर बांटा गया है। तो देखिए दोस्तों, जिनका पेपर इसमें ख़राब हुआ है उनके लिए तो थोड़ी राहत भरी बात है ये, क्योंकि उनके लिए तो दोबारा पेपर हो जाएगा, तो अच्छा हो सकता है वो अच्छा स्कोर कर दें अगली बार। और जिनका पेपर इस बार अच्छा हुआ है वो थोड़े दुखी हो सकते हैं कि इतना पेपर अच्छा हुआ हमारा फिर भी हमको दोबारा री एग्ज़ाम नहीं देना पड़े। क्योंकि अभी इसमें कोई बड़ा खुलासा नहीं है कि री एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, ये खबर थी आपके एक न्यूज़पेपर में खबर आई थी, तो मैंने सोचा आपको बता दूँ। दोस्तों अभी तक अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिख रहे लाल बटन पर जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों साथ में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे कि हमारे चैनल पे कोई भी वीडियो डलती है तो आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिले सबसे पहले। तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें, आपका अपना ही चैनल एग्जाम फॉर बड़ी चैनल। और दोस्तों आपको मैं बता दूं, आपको हमारे चैनल पर मिलते हैं बिल्कुल सही खबरें, और अगर आप चाहते हैं आपको मिले बिल्कुल रियल और लेटेस्ट एग्जाम इन्फॉर्मेशन, तो अभी सब्सक्राइब करें आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम फॉर बड़ी को। तो दोस्तों मिलते हैं आपके लिए, अगली कोई अच्छी सी न्यूज़ होगी तो उसके लिए आपकी अच्छी सी न्यूज़ भी लाई जाएगी आपके लिए, और हम तो लाते ही रहते हैं आपके लिए गवर्नमेंट जॉब्स का इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, टेक केयर दोस्तों।